दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट मिस्टर राज सिंह 111। गाइज, आज मैं आपको देने जा रहा हूँ ऑक्सीजन ओएस 11 का अपडेट ट्रैकर, जो कि एंड्रॉयड 10 और 11 पे बेस्ड रहेगा। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सपोर्ट ज़रूर करिए और सभी अपडेट से वाकिफ रहिए हमारे चैनल से जुड़ने के बाद। तो चलिए, टाइम ना वेस्ट करते हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, जैसे देख सकते हैं आप, अक्टूबर 13 अपडेट नंबर 32, हमें 11:50 AM पर चलता है कि चाइनीज़ वन प्लस 8 और 8 प्रो में हाइड्रोजन ओएस 11 अपडेट आना स्टार्ट हो चुका है। लेकिन इंडिया के लिए ऑक्सीजन ओएस है गाइस, आप जान सकते हो, और ग्लोबली भी ऑक्सीजन ओएस है, चाइना में हाइड्रोजन ओएस बन गया। तो गाइस देख सकते हो, एंड्रॉयड 11 बेस ऑक्सीजन ओएस 11 किस किस को मिला है। वन प्लस 8 में गाइस बीटा और स्टेबल अपडेट रिलीज कर दिया गया है। नोट्स में आप पढ़ सकते हो कि बग्स कौन कौन से आए हैं। ओपन बीटा इंडिया कमिंग सून है, अभी बीटा अभी इंडिया में नहीं आया, लेकिन जल्दी देखने को मिलेगा। और गाइस आप देख सकते हो, वन प्लस 8 प्रो में भी रिलीज कर दिया गया स्टेबल वर्जन। ओपन बीटा अभी इंडिया के लिए इसमें भी कमिंग सून दिखा रहा है, लेकिन आपको जल्दी देखने को मिल जाएगा। वन प्लस 7 के लिए एंड्रॉयड 11 अवेलेबल है और ऑक्सीजन ओएस हमें 2021 में देखने को मिलेगा। वन प्लस 7 में, वन प्लस 70 प्रो, इसमें भी गाइज एंड्रॉयड 11 अवेलेबल है, लेकिन कस्टम रोम में। और ऑक्सीजन ओएस 11 भी हमें 2021 में देखने को मिलेगा। वन प्लस 70 प्रो मैकलारेन एडिशन एंड्रॉयड 11 कस्टम रोम में अवेलेबल है, लेकिन ऑक्सीजन ओएस हमें मिलेगा सीधा 2021 में। वन प्लस सेवन प्रो ऑक्सीजन ओएस एक्सपेक्टेड इन 2021 यानी 2021 में हमें देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपके पास वन प्लस 6, 6 प्रो, 5, 5T, 4 अगर आपके पास है, तो उनको भी ऑक्सीजन ओएस मिलेगा जल्दी ही। और साथ ही साथ आप आराम से अपना ऑक्सीजन ओएस अपडेट कर सकते हो, चाहे वो कस्टम रोम की मदद से हो, चाहे आप रूट करके करी, जैसे भी। लेकिन स्टेबल वर्जन आपको 2021 तक देखने को मिल जाएगा सभी डिवाइसेस में। तो गाइस, ये थी आज की ऑक्सीजन ओएस की अपडेट। आई होप आपको पसंद आई होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिस्टर राज सिंह 111, सपोर्ट अस।